यूपीपीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों के लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के 100वें दिन भी कोई मंत्री या अफसर उनकी सुनवाई करने नहीं आया। आपको बता दें कि कल निष्कासित कर्मचारियों ने शक्ति भवन का घेराव करके धरना प्रदर्शन किया था, परंतु ना मंत्री ना अफसर किसी ने भी इनकी समस्या को नहीं सुना। बता दें कि निष्कासित कर्मचारियों से यूपीपीसीएल ने 3 साल तक सेवाएं लेने के बाद 26 मई 2018 को योगी सरकार में बर्खास्त कर दिया था, परंतु कोर्ट के समायोजन के आदेश के बाद भी इन लोगों की कोई सुनवाई योगी सरकार में नहीं हो रही है। 100 दिन धरना प्रदर्शन के होने के बाद भी योगी सरकार में मंत्री और अफसर अनदेखा कर रहे हैं। जैसा कि आज धरने का 100वां दिन है और हम लोग इको गार्डन में बैठे बैठे शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, लेकिन कल 99वें दिन जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग शक्ति भवन पर अपने पूरे संख्या बल के साथ वहां पर अपनी मांगों को जो है रखने के लिए सरकार से कि हमारी बातों को सुनेगा, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे और कोई भी आला अधिकारी हम लोगों की बातों को सुनने के लिए नहीं आया कि ये लोग किस लिए बैठे हैं, इनकी मांगे क्या हैं। और इसी प्रकार अगर चलता रहा तो हम लोग फिर इकट्ठा होंगे और आने वाले समय में हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और उसके बाद ऊर्जा मंत्री का भी घेराव करेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो। आज धरने का हमारा 100वां दिन है और आज तक ना तो हमारी कोई बात सरकार ने सुनी, ना तो शासन ने सुनी, ना ही हमारी कोई सुध लेने यहाँ आया। और हम जब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारी मांगे कोई सुनेगा नहीं। जैसा कि आपको संज्ञानित है कि कल भी आपने जो है शक्ति भवन के बाहर आए थे और हम लोग वहाँ पर जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक रहे। इन अयोग्य अधिकारियों ने जो है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है, जो हम मांग नहीं रहे हैं, इस प्रकार का आदेश जारी करने का काम किया, आयु में शिथिलता देने का काम किया जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी गलतियों का खामियाजा भोग रहे हैं। और आज हम 100 दिन से इको गार्डन में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बार बार विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि महोदय अभी वक्त है, हमारे साथ न्याय करें, हमारे साथ न्याय करें, लेकिन अभी भी उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आवाज़ें उन तक पहुंच रही है लेकिन वो कानों में तेल डालकर पड़े हुए हैं। आज उनका समय है, कल हमारा वक्त आएगा जब हमारे दरवाजे पे हमारे जनप्रतिनिधि जो आज चुनाव में हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे दरवाजे पे आएंगे तो उनका बहिष्कार इस प्रकार से होगा कि वो गांव की चौखट के अंदर नहीं आने पाएंगे अगर हमारे जायज़ मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज हम लोगों का जो है 100वां दिन हो चुका है धरना देते देते, किंतु कल 99वें दिन जब था तो हम जब इको गार्डन से हमारी मतलब यहाँ तक कोई भी अधिकारी कॉरपोरेशन के या शासन के नहीं हमारी सुध लेने आए या हमारी संवेदनाओं को नहीं देखने आया तो हम लोग कहे कि चलो भाई जा करके जो है कॉरपोरेशन जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन शक्ति भवन के आगे जा करके हम अपनी बातें रखें, वहाँ अधिकारी जो है हमें बुलाएंगे, हमसे वार्ता करेंगे। किंतु वहाँ जो है अनवरत 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग जो है संख्या बल के साथ भाइयों के साथ 603 कर्मचारियों के साथ रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे अपनी जायज़ मांगों को लेकर, किंतु वहाँ से कॉरपोरेशन के ना तो प्रबंधन ना तो उनके कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक कि ना हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाए ना ही ये कहने आए कि हाँ तुम लोगों की क्या समस्या है, वो जायज़ है या नाजायज़ है या इस पर हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं या कब तक कर देंगे, ऐसी कोई भी बातें नहीं हुई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य की परिकल्पना लेकर सरकार चला रहे हैं तो क्या उनके राम राज्य में क्या न्याय नहीं मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JMD खबर।